नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बता रही हूँ ब्रेड केक यानी मीठी ब्रेड केक टूटी फ्रूटी के साथ घर पे इजीली से कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हो ब्रेड कितनी बढ़िया बन करके रेडी हुई है घर पे, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आप इस ब्रेड केक को बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही लिया है और इसको बीटर से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये है चीनी, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चीनी का पाउडर लिया है और इसको भी दही में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आप इसको देख लीजिए कि चीनी का जो बैटर है मिक्स हो गया है। तो इसको मिक्स होने के बाद हम मिलाएंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस लिया है और इसको बैटर में मिला लेंगे। वनीला एसेंस इसका फ्लेवर के लिए दिया जाता है, क्योंकि मीठी ब्रेड हो और वनीला का फ्लेवर ना आए तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला लिया है और इसको उस तरह से मिलाएंगे जैसे ये जो दही का बैटर दिखाई दे रहा है ना विदाउट तेल का, तो ये जो तेल है ना दही के अंदर चीनी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। और साथ में मिलाऊंगी मैं एक छोटा सा चम्मच घी लिया है मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे बटर भी यूज कर सकते हो, मेरे पास चूँकि घी अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चम्मच घी डाल दिया इसके अंदर। तेल और घी दोनों इसमें ज़रूरी होते हैं, क्योंकि दोनों से ही हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल बहुत ही अच्छे लुक में बनेगी। तो मिला लिया है सबको और इनको लगभग 2 मिनट तक मिलाना होगा आपको, जब तक कि दोनों तेल और घी है ना पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, मिश्रण में मिक्स हो जाने चाहिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर तेल और घी मिलाए हैं क्या, ऊपर ऊपर तिरते हुए नहीं दिखाई देने चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी मिश्रण जो इनका बनाएंगे। ये है मैदा, और मैदा लिया है मैंने इस कप से मेजर करके 1 कप और थोड़ा सा और लेंगे 1.25 कप मान लीजिए। तो मैंने ये 1.25 कप मैदा लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। दोनों ही बहुत ज़रूरी है, दोनों के बिना जो हमारी केक है वो नहीं बनेगी, उसके अंदर जाली नहीं आएगी। तो केक के अंदर जाली या स्पंज लेके आना है हमें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। जितना हम बेकिंग सोडा डालते हैं, जैसे बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच लिया है तो बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, जैसे बेकिंग सोडा 1 चम्मच यानी ज़्यादा केक की क्वांटिटी जो मिश्रण होता है ज़्यादा होता है बैटर, तो उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालते हैं तो 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, इस तरह से इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब हम सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा ना बिल्कुल पतला होना चाहिए ना गीला होना चाहिए। अब आप देख सकते हो डो की कंसिस्टेंसी, ये गीला नहीं ये टाइट है, तो इसको हमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। इसकी जगह आप दूध भी डाल सकते हो और जो दही का पानी है वो भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे दही का पानी डाल दिया है और इसको बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है उस तरह से बनाना है। देखिए मैंने इसमें दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ दही और मीठा तेल यानी खाने वाला तेल और थोड़ा सा घी और मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और शुगर पाउडर, इतनी चीज़ों का मिश्रण मिला लिया है। वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए दिया है, यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, अगर वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, एक बिल्कुल अच्छी फॉर्म में है, तो अब हम टूटी फ्रूटी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ली है और इसको मैदे से कोट करेंगे। टूटी फ्रूटी को
कोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस तरह से कोटिंग नहीं करेंगे ना तो टूटी फ्रूटी क्या होती है कि तले में जाके बैठ जाती है और ये पूरे केक के अंदर नहीं रहती है, नीचे नीचे चली जाती है। तो इसको पूरे केक के अंदर लाने के लिए आप इस तरह से इसको मैदे से कोट कर लें तो ये तले में नहीं जाएगी, जहाँ पर है बीच में रह जाएगी, ऊपर के ऊपर भी आएगी और नीचे तले में भी, सब जगह ये बराबर में फैल जाएगी। तो इस तरह से टूटी फ्रूटी को मिक्स कर ले अपनी बैटर में। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आपका बैटर भी इसी तरह का होना चाहिए। अब मैंने ये टिन लिया है, केक टिन है ये। अगर आपके पास केक टिन नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा जो हमारी कटोरदान होता है उसमें बना सकते हैं, जो आइस जमाने वाले जो हमारे पास बाउल्स होते हैं उनमें भी आप ये केक बना सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि संचा ही हो, ये तो हम लोग दिखा रहे हैं इसलिए संचा होता है, तो उसमें बहुत बढ़िया शेप आता है इसलिए मैंने संचे में बनाई है। और ये संचा भी मिल जाता है, ये भी ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं आता है, 100-150 रुपये में आप कहीं से भी खरीद सकते हो, घर में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके फिर मैदे से इसको कोट कर लें। मैदा चारों ओर से इस तरह से मैंने फैला दिया है और जो एक्स्ट्रा मैदा है ना उसको निकाल दीजिए। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा मैदा उसको मैं निकाल के बाहर कर दूंगी और चारों ओर से मैंने मैदा से इसको कोट कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको कोट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नीचे आप बटर पेपर लगा दीजिए, उसके बाद में आप जो मिश्रण है वो इसके अंदर डाल दीजिए। अब देखिए ये यहाँ पर मैदे से कोट कर लिया है मैंने अपने केक टिन को, और जो मिश्रण है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से बहुत बढ़िया मिश्रण बन के करके तैयार हो रहा है, दिखाई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं केक कैसे बनेगा, और मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा केक बनेगा और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी आएगा। तो हमारा जो बैटर है पूरा केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम इसको 2-3 बार से टैप कर लेंगे कि अंदर में जो कोई हवा होती है ना वो ना रहे और बैटर इवनली बराबर में पूरे टिन के अंदर अब हम अपने केक टिन को इस तरफ देखिए, ये जो ओवन है इडली जिसके अंदर हम इडली बनाते हैं, तो इसको मैंने नीचे नमक डाल करके ऊपरी हीट कर लिया है, 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर धीरे से ध्यान रखें क्योंकि ये चारों तरफ से गर्म है, आराम से और टिन को अंदर यहाँ पे रख दिया है और अब इसके कवर कर देंगे हम। कवर करके लगभग 30-40 मिनट तक हमें इसको बिल्कुल स्लो गैस पर बेक किया मैंने, तो लगभग 30-40 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना जो केक है वो चेक कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। वाह, केक बिल्कुल से अच्छी तरह से पक कर के तैयार हुआ है। तो अभी ये मैंने एक नाइफ लिया है और इसको बिल्कुल इस तरह से डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है, मतलब हमारा केक जो है वो ऑलरेडी तैयार है। तो हम केक को बाहर निकाल के और ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए बहुत ही अच्छा केक बेक हुआ और केक ठंडा भी हो गया है। तो ये हमने प्लेट ली है और इसको हम इस तरह से रिमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए वाह, केक कितना ब्यूटीफुल, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा केक है। ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हुआ है, दिखाने की जरूरत नहीं। ये देखिए, तो अभी हम मैंने ये कटर लिया है और इसकी सहायता से मैं इसकी कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी ब्रेड को इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ब्रेड के अंदर जो ये देखिए किस तरह से जो टूटी फ्रूटी है इवनली स्प्रेड हुई है और बहुत अच्छी हमारी जो ब्रेड है वो बन करके तैयार हुई है। और इसी तरह से हम अपनी सारी जो ब्रेड्स हैं वो कट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम आपको और ब्रेड के पीसेस, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, कितनी बढ़िया हमारी ब्रेड बन करके तैयार हुई है।
तो दोस्तों ये ब्रेड बनने में जितनी आसान है, खाने में उतनी टेस्टी और लाजवाब भी है। और ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, कितना बढ़िया इसका लुक है और कितनी बढ़िया बन करके घर पे तैयार हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।